वो भारत माता जय के नारे लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी को वेलकम कर रहे हैं। आप यहाँ पे कोई मुसलमान लगा के दिखाए भारत माता जय का नारा? अगर वो इधर आएगा, मोदी अगर इधर आएगा, अमीर मुल्क है तो हो सकता है इधर भी भारत माता के नारे लगने शुरू हो जाए। इंडिया वाले जिस मुल्क में भी जाएंगे इंडिया वाले सराहे जाएंगे, क्योंकि उनका मोदी जो है वो पूरी दुनिया में इस टाइम एक बेहतरीन लीडर के तौर पे सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह उसने अपने मुल्क को 10 साल के अंदर कन्वर्ट करके रख दिया, पूरी दुनिया उसकी मिसालें देती है। पूरा का पूरा यूएई भारत माता जय के नारों से गूंज उठा। हमने देखा यूएई को इंडियन कल्चर के रंग में रंगा हुआ। हमने अक्सर ये पहले भी देखा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जहाँ कहीं जाते हैं वहाँ पे बड़े ही पुरजोश तरीके से इंडियन कल्चर को फॉलो किया जाता है, और वो एरिया पूरा का पूरा इंडियन कल्चर के रंग में रंगा हुआ नजर आता है। मोदी ने अपनी और इंडिया की ऐसी पर्सनैलिटी बना दी है कि दुनिया की कोई भी कंट्री है वो उनसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं। जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए तो बुर्ज खलीफा पर उनकी तस्वीर चलाई गई, इंडिया का तिरंगा चलाया गया। क्या कहेंगे, वक्त के साथ साथ इंडिया और यूएई के दरमियान दोस्ती बहुत ज्यादा परवान चढ़ गई है। अमेरिका में भी चला जाए मोदी, उसको वहाँ पे वार्म वेलकम होता है। जो मर्जी मुल्क में चला जाए, बल्कि उसके मुल्क में भी आते हैं। इधर गरीब मुल्क में कोई नहीं आता, जैसे गरीब के घर में कोई नहीं जाता, इस तरह गरीब मुल्क में भी कोई नहीं आता। दोस्तों, मोदी जी का जलवा देख के पूरी दुनिया तो हैरान है ही है। अब पाकिस्तानी भी ये बोलने लग गए हैं कि अगर मोदी जी अगर यहाँ आ गए तो पाकिस्तानी भी भारत माता की जय के नारे लगाएंगे। दोस्तों, आप देखते जाइए, वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान भी जय श्री राम बोलेगा। आप देखिएगा, ये दिन दूर नहीं है दोस्तों। भारत की जो रेपुटेशन आज बनी हुई है और भारत जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, पूरी दुनिया हैरान है। आज तो अमेरिका भी भारत के कदमों में गिरा पड़ा दोस्तों। शेखों को तो आपने देख ही लिया, जब ये बड़े बड़े मुल्क भारत के कदमों में आ गए हैं तो पाकिस्तान की तो कोई औकात ही नहीं है। लेकिन मोदी जी जानते हैं कि पाकिस्तान जहरीला सांप है, इसलिए मोदी जी कभी भी उसको गले नहीं लगाएंगे। मोदी जी जानते हैं कि इसने एक बार ही नहीं, कई बार हमारे पेट में छुरा घोंपा है, और दुनिया जानती है कि मोदी जी वहां से सोचना शुरू करते हैं जहां लोग सोचना छोड़ देते हैं। मोदी जी को पता है कि पाकिस्तान से कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, और ये बात मैं भी जानता हूं दोस्तों, आप भी जानते हैं। मैं भी कई बार बोल चुका हूं कि हमारा पाकिस्तान के साथ सब एक ही रिश्ता है, कि हमारा पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। बस इसी के अंदर हमारी भलाई है, पाकिस्तान की तो भलाई हो ही नहीं सकती। ये तो जिंदगी के अंदर इसमें खत्म होने वाला है, आने वाले दिनों के अंदर इसके अंदर कुछ भी नहीं बचेगा दोस्तों। बाकी आप कमेंट्स करके बताइएगा आपकी क्या राय है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए तो बुर्ज खलीफा पर उनकी तस्वीर चलाई गई, इंडिया का तिरंगा चलाया गया। क्या कहेंगे, वक्त के साथ साथ इंडिया और यूएई के दरमियान दोस्ती बहुत ज्यादा परवान चढ़ गई है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि अमीर मुल्क है, अमेरिका में भी चला जाए मोदी, उसको वहाँ पे वार्म वेलकम होता है। जो मर्जी मुल्क में चला जाए, बल्कि उसके मुल्क में भी आते हैं। इधर गरीब मुल्क में कोई नहीं आता, जैसे गरीब के घर में कोई नहीं जाता, इस तरह गरीब मुल्क में भी कोई नहीं आता। उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है इंडिया की, जहाँ अमीर बंदा जहाँ भी जाएगा गरीब का कोई पूछता नहीं है। पाकिस्तान गरीब तरीन मुल्कों में शामिल है, और इसकी जो आर्मी है वो अमीर तरीन आर्मी है। और जो इंडिया की आपने बात की है, इंडिया पाकिस्तान चाहता है इंडिया के साथ तजारत हो, उसका 1% ही GDP का पाकिस्तान को मिल जाए तो पाकिस्तान भी कुछ खाने पीने के काबिल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मेन वजह उसकी ये है कि उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। फिर जब हमारे पास सियासत के नाम पर कुछ करने के लिए होता तो हम लोगों को मजहब के नाम पर लड़वाना शुरू कर देते हैं। अब आप देखें कि दुबई के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बात की कि हिंदू मुस्लिम मिल के रहते हैं, वो भारत माता जय के नारे लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी को वेलकम कर रहे हैं। आप यहाँ पे कोई मुसलमान लगा के दिखाए भारत माता जय का नारा? अगर वो इधर आएगा, मोदी अगर इधर आएगा, अमीर मुल्क है तो हो सकता है इधर भी भारत माता के नारे लगने शुरू हो जाए। वो अपनी इन्वेस्टमेंट अगर इधर लेके आएगा, सारी गेम इन्वेस्टमेंट की है। अगर वो दुबई में गया है, यूएई में गया है, तो वो उधर इन्वेस्टमेंट करेगा।
मोदी ने अपनी और इंडिया की ऐसी पर्सनैलिटी बना दी है कि दुनिया की कोई भी कंट्री है वो उनसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं कि यार हमसे बात करें। रशिया ने आई थिंक सो के मोदी को इन्वाइट किया था, आप हमारे कंट्री है, और मोदी ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दी। अब ये देखो हुआ है, ये आप ये देखें कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस उन्होंने अपनी बना ली है। वजह क्या है, उन्होंने खुद पर एतमाद है, उन्होंने पता है कि यार जैसे हिंदी हो गई या गाड़ियाँ, ये जो भी हमने अपने मुल्क में करनी है। अब यूट्यूब की बात कर लें, उनका सीईओ कौन है, इंडिया का है। उसके बाद आप बात कर लें गूगल, उसका सीईओ वर्ल्ड बैंक, इंडिया का, वर्ल्ड बैंक। जितने देखें गोरों ने इंडिया पे हुकूमत की, अब जाके गोरों का जो प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है वो इंडिया का बना हुआ है। ऐसा ही है ना, कर रहे हैं आप इंडिया को, आप इंडिया को आते कहाँ से कहाँ पे अपने मुल्क को लेके आ गए हैं। उनकी टेक्नोलॉजी में देख लो आप, एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान है, उसको उसने कहा कि भाई वहाँ पर जाके आप अपनी प्रोडक्शन करो, तो फिर जाके हमारे मुल्क में अपनी सेल आउट चीज़ें करो, जो भी वो गाड़ियाँ वगैरह वगैरह बनाते हैं। उसके बाद टेस्ला इम्पोर्ट नहीं की, टेस्ला को मैन्युफैक्चरिंग करवाया इंडिया में, बिल्कुल टेस्ला को मैन्युफैक्चरिंग कराया। उसके बाद सबसे ज़्यादा अहम चीज़ वो मेड इन इंडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो हर चीज़ के ऊपर दुनिया के ऊपर छाई जा रहे हैं इंडिया वाले। जिस जगह पर आप देख लो, चाहे चंद्रयान किधर चला गया, उसके बाद वो क्या क्या टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। मुसलमान नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और एज ए मुसलमान करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं नरेंद्र मोदी को, मैं उनकी जो स्ट्रगल है मैं उसको देख के बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, मैं उनकी स्ट्रगल को देख के वो बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, मैं कभी तो उनको देख के मोटिवेट भी होता हूँ। और आपने बात की कि रेड कार्पेट उनके लिए बिछाया गया और एक तरह की रिस्पेक्ट दी गई। देखें कतर वाले हमेशा से अच्छी पर्सनैलिटी को रिस्पेक्ट देते आए हैं। किस मुल्क की इकोनॉमी अच्छी होगी, ओवरऑल उसका डिफेंस भी अच्छा रहेगा, सही बात है, और स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है किसी कंट्री की जबरदस्त, वो भी बहुत अच्छी रहती है अगर इकोनॉमी स्ट्रांग होती है किसी मुल्क की, क्योंकि वो इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सारे MOUs इंडिया और यूए के दरमियान जो है वो एक्सचेंज हुए हैं। जेरे समंदर वो एक ट्रेन भी बिछाने लगे हैं जो सीधी इंडिया से यूए जाएगी, इधर कोई ऐसा नहीं, इधर ये हमारी ऑरेंज ट्रेन बना दी है जो हमें घाटे में ही जा रही है। इंडिया को आज तमाम इस्लामी ममालिक में रिस्पेक्ट मिल रही है, और पाकिस्तान की दो कोड़ी की इज्जत नहीं है। सऊदी अरेबिया ने हम पे सख्तियां कर दी हैं, हमें वीजाज नहीं मिल रहे। यूएई की बात करें, यूएई ने 950 पाकिस्तानियों को पिछले साल अपने मुल्क से निकाल दिया कि ये हमारे मुल्क में आके क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं। इराक ने कहा ये जी ज्यारतें करने आते हैं फिर वापस नहीं जाते, गायब हो जाते हैं। अब आप ये देखें कि पाकिस्तानियों की वही हरकतें हैं जो हमारे सियासतदानों की हरकतें हैं। गायब ना हो क्या करें, इधर भूख है, सारे फ्लास से मर रहे हैं लोग, तो इसलिए वहाँ पे जाके गायब हो जाते हैं। अब भी इधर सारे इधर भागने के लिए तैयार हैं, कोई मुल्क अगर कहे ना कि हमें इधर कोई पनाह दे। मैं कहती हूँ अगर आप इंडिया का बॉर्डर खोल देना, यही वाघा बॉर्डर, तो आधा पाकिस्तान इंडिया चला जाएगा। जो हालात जाएगा बिल्कुल इसी तरह, हालात इस तरह हुए हैं। आपने अमीर गरीब की मोदी के वेलकम की बात की, तो मेरे ख्याल में अमीर गरीब मुल्क के ऊपर तो कोई अटैक भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनसे भूख में आके इधर क्या करेगा। मोदी को उसने कहा कि इधर जंग ना हो जाए, वो कहता है वो तो अपना ही लड़ लड़ के मर जाएंगे। जो हालात है इधर, ये ना इधर मेरे ख्याल में कोई खाने वाला खाने पीने का, सिर्फ अपनी अपनी सबको पड़ी है कि अपना कोई सोच लें, कोई बाहर से पैसे आ जाएं तो कुछ और, हमारा हमारे अपने पैसों की हमारी अपनी जो ज़मीनें हैं जो प्रॉपर्टी है उसमें डेवलप हो, मुल्क के लिए कुछ नहीं सोच रहा। इंडिया वाले जिस मुल्क में भी जाएंगे इंडिया वाले सराहे जाएंगे, क्योंकि उनका मोदी जो है वो पूरी दुनिया में इस टाइम एक बेहतरीन लीडर के तौर पे सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह उसने अपने मुल्क को 10 साल के अंदर कन्वर्ट करके रख दिया, पूरी दुनिया उसकी मिसालें देती है। आप अंबानी की देख लें, अंबानी उनका पूरी दुनिया में अमीर तरीन इंसान है, वो उसकी मिसालें देता है कि भाई मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ कर सकते।